ओम श्रीआय नमः नमः ओम आदित्याय नमः नमः ओम श्रीआय नमः नमः ओम आदित्याय नमः के बाद जो सिंदूर मैंने सूर्य देव के लिए लिया था, इस सिंदूर से मैं अपने मांग में सिंदूर लगाऊंगी। तो जो भी सिंदूर इसमें लगा हुआ था, जो मैंने सूर्य देव को सिंदूर अर्पित किया था, वो सिंदूर मैंने अपने मांगों में लगा लिया। इससे ऐसा होता है कि सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिलता है। आइए अब चलते हैं, हो गया पूजा। ये मैं आपको कुछ पौधे दिखाना चाहूँगी। ये मैंने अपराजिता का पौधा लगा रखा है। ये माता लक्ष्मी का इसमें वास होता है, तो ये पौधा ज़रूर आपको अपने घर में लगाना चाहिए। ये सदाबहार है, सदाबहार भी लगा सकते हैं। ये फूल तो आप सभी जानते हैं, ये 10 बजे ही इसके फूल खिलते हैं। अभी छोटे से हैं, 10 जैसे ही बजेगा बड़े से फूल खिल जाएंगे। ये एलोवेरा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, ये गुड़हल का फूल है, इसमें फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यही सब है अभी, और सारे फ्लावर्स मेरे सूख गए हैं। तो अब नीचे चलते हैं। ये देखिए, ये कुत्ते ने क्या कर रखा है। ये किसके कुत्ते आते हैं? ये गीता के कुत्ते आते हैं, अभी मैं उसे बोलती हूँ। गीता, मौसी को आया गुस्सा क्योंकि ये जो गुड़हल का फूल है, इसमें से कुत्ते ने मिट्टी निकाल के फेंक दिया है, और मौसी को फाइनली बहुत गुस्सा आ गया है। और हमारे पड़ोसी हैं, और ये रोज़ होता है, और हम लोग बहुत परेशान हैं कुत्ते से। कभी आके कुत्ता यहाँ पे पोटी कर देता है, तो कभी हमारे फूल को नष्ट करता है, मिट्टी निकाल के फेंक देता है। जैसे कि ऐसा तो ऐसा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और मेरी माँ से गुस्सा हो गई है।